अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उमर सईद। जैसा कि हमारी कोशिश होती है अपने वैल्यूड कस्टमर्स के साथ एक पोटेंशियल गेनिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शेयर करें, सेम लाइक दैट आज हम मौजूद हैं बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में। जैसा कि आपको पता है कि फेज़ 4 की एंट्रेंस पे एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे न्यूली लॉन्च भी किए गए और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट पास्ट में लॉन्च किए गए थे उनकी कंस्ट्रक्शन लेवल काफ़ी इंप्रूव हो चुका है और तेज़ी के साथ अपने फाइनल लुक में आ रहे हैं। व्यूज़, आज जो मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ बिल्कुल एंट्रेंस पे प्राइम नंबर्स पे, ये मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है एसक्यू मॉल के नाम से। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे बिल्कुल इस मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है, तेज़ी के साथ इस मॉल की कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके डेवलपर के हवाले से अगर आपको अपडेट करूँ तो अली सकलैन एंड बिल्डर्स इसके डेवलपर हैं। व्यूज़, अगर आपको अपडेट करूँ इनके पास प्रोजेक्ट के हवाले से तो SQ 13, SQ 14 जो कि इन्होंने अपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया था और SQ मॉल 99 के हवाले से ऑलरेडी वहाँ पे पोजेशन टाइमली दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है उन प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे क्रेडिबल डेवलपर की आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जी वीज़, अगर आपको अपडेट करूँ SQ मॉल की प्राइम लोकेशन से रिलेटेड तो SQ मॉल की जो फ्रंट फेसिंग है वो आपको मिलेगी मेन रायवन रोड फेसिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे इस टाइम जो है वो रायवन रोड ऑपरेशनल जो है वो रोड है ये, और बड़ी बिजी रोड है, यहाँ से आप डिफरेंट लाहौर के एरियाज़ को कनेक्ट कर रही है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही वाइड एंट्रेंस है फेज़ 4 की, यहाँ पे आपको खूबसूरत ग्रीनरी पार्क्स भी मिलेंगे। यही वजह है कि यहाँ पे एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है फ्यूचर का, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको 3 इयर्स 4 इयर्स की इंस्टॉलमेंट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए। सेम लाइक दैट आपको जो ये प्रोजेक्ट मिल रहा है यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और कमर्शियली एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पहले अगर बात करें कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको बेसमेंट टू थर्ड फ्लोर तक कमर्शियल शॉप्स मिलेंगी, 4 से लेके अप टू 8 फ्लोर तक आपको डिफरेंट यहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मिलेगी। अगर मैं आपको अपडेट करूँ यहाँ पे कवर्ड एरिया से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट 7 किलाल पे ये मॉल की कंस्ट्रक्शन होने जा रही है, बहुत ही प्राइम नंबर की लोकेशन बन रही है ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के जस्ट आपने राइट साइड पे अगर देखें तो इस मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। इसकी फेसिंग से रिलेटेड आपको अपडेट किया है कि फेसिंग इसकी मेन ड्राइवन रोड है, लेफ्ट साइड पे जो आपको शॉप्स वगैरह या अपार्टमेंट्स वगैरह की ऑप्शन मिलेगी वो ऑर्चर्ड मॉल को फेसिंग कर रही होगी। राइट साइड पे जो आपकी अपार्टमेंट्स या शॉप्स की लोकेशन बन रही है वो 160 फीट फेज 4 का जो मेन बुलेवार्ड है वहाँ पे आपको फेसिंग करेगी और जो बैक साइड पे आपको अप्रोच मिलेगी वो 1 किनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स जो 127 नंबर पे कमर्शियल हब बनने जा रही मार्केट उसको फेसिंग करेंगे। 4 साइड ओपन ये कमर्शियल प्लॉट है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और ये 4 साइडेड ओपन होने की वजह से यहाँ पे आपको हर साइड से कस्टमर जनरेट होगा वेल्दी। व्यूज़, अगर आपको अपडेट करूँ तो फेज़ 4 में 6500 रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे। यही वजह है कि यहाँ पे जो प्लॉट कटिंग दी जा रही है वो 1 किनाल और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की है जहाँ पे एक आपको अच्छा क्लाइंट जनरेट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इसके अगर ऑपोजिट देखें तो आपको बैरिया ऑर्चर्ड के डिफरेंट फेजेस मिलेंगे, फेज़ 1 के सामने फेज़ 3 है, फेज़ 2 के सामने फेज़ 4 है। यहाँ पे भी इतने ज़्यादा कमर्शियल मार्केट्स आपको देखने को नहीं मिलती, यही वजह है कि फ्यूचर में इन मॉल्स की अप्रोच आपको बैरिया ऑर्चर्ड के डिफरेंट जो गेट्स है वहाँ से भी आपको एक अच्छा क्लाइंट जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको बिजिएस्ट रोड मिलती है रायवन रोड पे, यहाँ पे आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे ये अच्छी अमाउंट में मिलेंगे, यही वजह है कि यहाँ पे तेज़ी के साथ जो कमर्शियल्स दिए गए हैं उनको कंस्ट्रक्शन की तरफ तेज़ी के साथ लेके जाया जा रहा है। व्यूज़, अगर बात करूँ फ्लोर प्लान से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको बेसमेंट से लेके अप टू 4th फ्लोर तक कमर्शियल मार्केट मिलेगी, कमर्शियल शॉप्स दी जा रही हैं और 5th फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक आपको 1 बेड अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मिलेगी। व्यूज़, अगर बात करें SQ मॉल की पेमेंट प्लान से रिलेटेड तो बेसमेंट पे जो आपको शॉप मिलती है 219 स्क्वायर फीट की मिनिमम, उसकी प्राइस 32 लाख दी गई है। अगेन आप जो बुकिंग करवाएंगे वो 25% पे करवाएंगे और बाकी आप 3 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट पे इस अपने यूनिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के हवाले से अपडेट करूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिनिमम शॉप जो मिलती है वो 2 करोड़ 75 लाख है, इसकी आप 25% पे बुकिंग करेंगे और बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं 36 इंस्टॉलमेंट पे। इसका जो एरिया दिया गया है वो काफ़ी बेहतर दिया गया है, जो आपको मिनिमम एरिया यहाँ पे दिया जा रहा है वो 612 स्क्वायर फीट तकरीबन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर के हवाले से अपडेट करूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिनिमम जो रेट मिलता है शॉप का वो 47 लाख से स्टार्ट होती है। अगेन यहाँ पे जो
एरिया दिया जा रहा है, ये भी इसका बहुत कमाल दिया जा रहा है, 238 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। सेकंड फ्लोर के हवाले से अगर आपको अपडेट करूँ तो 44 लाख में आप यहाँ पे मिनिमम शॉप बाय कर सकते हैं। अगेन 25% आप बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी आप इंस्टॉलमेंट पे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड फ्लोर के हवाले से अगर आपको अपडेट करूँ तो थर्ड फ्लोर पे आपको जो प्राइस मिलती है बहुत ही रीज़नेबल मिलती है, 23 लाख में आपको यहाँ पर टोटल प्राइस मिल दी जा रही है मिनिमम। और यहाँ पर अगेन जो आप बुकिंग करवाएंगे 25% डाउन पे बुकिंग करवाएंगे, बाकी आप 36 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। फोर्थ फ्लोर के हवाले से अगर आपको अपडेट करूं तो फोर्थ फ्लोर पे भी 3 मिलियन के अराउंड आपको मिनिमम शॉप की प्राइस दी जा रही है, 307 स्क्वायर फीट इसका एरिया साइज़ है। और यहाँ पे जो आप कंटिन्यू करेंगे वो 36 इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू करेंगे 25% डाउन दे के। फिफ्थ फ्लोर से लेके आपको जो 8th फ्लोर पे अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मिलती है उसमें जो कम से कम साइज़ दिया जा रहा है वो 605 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली साइज़ दिया जा रहा है और 66 लाख इसकी डाउन पेमेंट है जो आप कंटिन्यू करेंगे 25% डाउन दे के 36 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स में। व्यूज़ अगर आपको अपडेट करूँ बुकिंग प्रोसीजर से रिलेटेड तो बहुत ही इजी प्रोसेस के थ्रू आप इस मॉल में अपने यूनिट की बुकिंग करवा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे फ्लोर प्लान और पेमेंट प्लान शेयर कर दूंगा, आप देन अपने यूनिट को पसंद करेंगे और देन आप डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर देंगे, आपके यूनिट पे आपके फाइल को रेडी कर दिया जाएगा और वही फाइल आपके गिवन एड्रेस पे मेल कर दी जाएगी। अगर आप ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं तो सेम प्रोसीजर के थ्रू आप अपने यूनिट को बुक कर सकते हैं, आपकी फ़ाइल आपके दिए गए एड्रेस पे लोकली या अगर आप इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में अवेलेबल होंगे तो आपकी फ़ाइल को DHL कर दिया जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो जस्ट आपके वैलिड आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक कॉपी रिक्वायर्ड होगी, नेक्स्ट जो नॉमिनी है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होगी और आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें रिक्वायर्ड होंगी। ये आप डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे सेंड करेंगे। व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी इस मॉल से रिलेटेड या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करें, टाइमली आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।